हेलो गाइस, बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज का वीडियो होने वाला बॉम पिज्जा पेक पड़ा गया, जो कि बिलगछिया के जस्ट आगे है। तो वहां हम लोग जाने वाले और वहां जाकर हम लोग 299 का अनलिमिटेड बुफे ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कि उनके 299 के बुफे का टेस्ट कैसा है और आपको रिव्यू भी देते हैं हम लोग। तो ये वीडियो बहुत ही लेट से आ रहा है क्योंकि हम लोग कुछ काम था और मेरा एग्जाम चल रहा था, जिसकी वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग चैनल को कंटिन्यू रखेंगे और वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और कुछ भी आप लोगों को क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम लोग से पूछ सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने अड्डे में। हम लोग अड्डा मतलब मेट्रो जो नया खुला है, तो चलिए आपको यहाँ के डिटेल्स दे देते हैं। क्या है कि हम लोग मेट्रो तक का तो व्लॉग बनाए नहीं थे, तो हम लोग मेट्रो का ही व्लॉग बना लेते हैं यहाँ पर और इसके साथ ऐड कर देंगे हम लोग पैक पाड़ा जो जाने वाले हैं हम लोग वहाँ का व्लॉग के साथ इसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग तो वीडियो में बने रहिए। कोई तो है ही नहीं भाई, पूरा एकदम सन्नाटा है, हर तरफ कोहरा ही कोहरा। धूप धूप है तो कोहरा कोहरा, धूप है धूप है पूरा रास्ता। उधर चूरन बेचता हुआ वो लोग मुझे ना कर। हम लोग आ चुके हैं बॉन्ग पिज्जा। बॉन्ग पिज्जा ले चुके हैं यहाँ से बुफे, सब अपना अपना भर चुका है। बहुत ही खूबसूरत प्लेट सजाया है फैज ने। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट करते हैं। प्लेट की रंगत तो काफी बढ़ चुकी है, अब हम लोग इसे खा के देखते हैं कि ये कैसा है। जाली कबाब हरियाली का मसाला के हिसाब से इन लोगों ने सिर्फ इसमें धनिया डाला है। बहुत ही वाहियात टेस्ट है इसका, एकदम खराब, एकदम पसंद नहीं आया हमको। इसका पता नहीं वेज तो कुछ है, रोटी के साथ काफी टेस्टी है।
पिसा हुआ चिकन में टमाटर सॉस डाल के बना दिया नूडल्स। और इनका बिरयानी नॉर्मल है, ठीक ठाक है, उतना भी खास नहीं है। प्लेट आपको कैसा लगा वो बताइए। जेल का, जेल वाला प्लेट मिला है आपको। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं बॉन्ग पिज्जा पैक पार्लर से वापस। तो वहाँ पर 299 का अनलिमिटेड बुफे चल रहा था, तो हम लोग वो ट्राई करने गए थे। वहाँ उनका फूड क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं था। उन लोग का वहाँ पे कुछ एग फ्राई था वो थोड़ा सा अच्छा था, और बिरयानी ओके ओके था। उनका स्टार्टर जो चिकन हरियाली था वो तो लग रहा था सिर्फ धनिया पत्ता में मैरिनेट किया हुआ, और कोई टेस्ट नहीं था उसमें, और कुछ ज़्यादा खास भी नहीं लगा वहाँ का कुछ भी फूड। बिरयानी थोड़ा ठीक था जैसे मेरा भाई बोला अभी, और एग फ्राई था वो थोड़ा ठीक था, बाकी सब एकदम बकवास था एकदम। और थोड़ा अंदर के एम्बियंस थोड़ा राजा महाराजा का थोड़ा वाइब दे रहा था, वो थोड़ा अच्छा लग रहा था। अकबर बादशाह का फ़ोटो वगैरह वगैरह लगा के रखे थे वो। तो अगर आप लोगों को जाना है तो हम वहाँ का एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। और इसी तरह हमें फॉलो करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।